हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन निकली है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है यूपी में। फेलोशिप भी अवेलेबल है। नेट जीआरएफ एग्जेम्प्ट रहेंगे एंट्रेंस टेस्ट से। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए इसकी डिटेल कवर करते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से ये नोटिफिकेशन निकली है जो यूपी में है। मैंने ये नोटिफिकेशन, ये ब्रोशर इसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप भी इसकी वेबसाइट पे जाके इस ब्रोशर को डाउनलोड करके फॉर्म डालने से पहले डिटेल में कवर कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे मेन कवरअप करवा दूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी सीट्स देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंट सीट है। तो हम इसके हर सब्जेक्ट के वैकेंट सीट देख लेंगे। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे टोटल 32 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में जो वैकेंट सीट है यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। और सब्जेक्ट कोड भी साथ में ही दिया हुआ है। यहाँ पर हिंदी की टोटल 90 वैकेंट सीट है। बाकी अपने सब्जेक्ट को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं वैकेंट सीट को। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ देती हूँ। यहाँ पे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, जन संचार, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज कार्य, दर्शन शास्त्र, वाणिज्य, शिक्षा शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, विधि, मंच कला, भूगोल, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पाद, कृषि एवं कृषि अर्थशास्त्र, कृषि उद्यान, कृषि रसायन, ललित कला। टोटल 32 सीट हैं, तो आप देख सकते हैं। आगे इस फॉर्म को फिल करने की जो महत्वपूर्ण तिथि है वो देख लेते हैं। 3 अप्रैल 2021 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 3 मई 2021 है। आगे इंडियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक की किसी शाखा में पेमेंट गेटवे के माध्यम से या इंडियन बैंक के चलान के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जिसकी तिथि है अंतिम 3 मई 2021 है। आगे लिखा है कि प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रिंट करने की जो अंतिम तिथि है 5 मई 2021 है। यहाँ नीचे मेंशन किया है अंतिम तिथि 3 मई 2021 के बाद किसी भी दशा में प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जाएगा। आगे यहाँ पे सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो फीस है 850 रुपये है और अनुसूचित जनजाति के लिए जो यहाँ पे फीस है 750 रुपये है। आगे इसके नीचे मेंशन किया है कि ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात प्रवेश परीक्षा शुल्क विद्यालय की वेबसाइट से ई चलान जनरेट कर उनकी प्रिंटआउट निकालने के 4 घंटे बाद इंडियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक की देश की किसी भी शाखा में चलान अथवा पेमेंट गेटवे के माध्यम से शुल्क जमा करा सकते हैं। चलान के माध्यम से शुल्क जमा करने के 24 घंटे बाद और पेमेंट गेटवे के माध्यम से शुल्क जमा करने के पश्चात तत्काल वेबसाइट से ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र अपलोड किया जा सकता है। मतलब आप चलान के माध्यम से अगर पेमेंट करेंगे तो 24 घंटे बाद और पेमेंट गेटवे के माध्यम से अगर पेमेंट करेंगे तो तत्काल आप अपलोड कर सकते हैं। ये मेंशन किया हुआ है, आप देख लीजिए। उसके बाद आगे मेंशन किया है कि इस फॉर्म को फिल करने की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। पीजी में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग आवेदकों के लिए 50% की यहाँ पे छूट है। यहाँ पे देखिए साफ मेंशन किया हुआ है ग भाग में कि UGC, CSR इत्यादि की GRF, नेट एवं समकक्ष गेट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है वो विद्यालय की लिखित परीक्षा से मुक्त होंगे। मेंशन किया, देख सकते हैं आप।
और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, जिनमें जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक एप्टीट्यूड तथा संबंधित विषय पर आधारित होंगे, जिनका समय 2 घंटे निर्धारित होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न 200 प्रश्न होंगे, जो संबंधित विषय तथा रिसर्च एप्टीट्यूड पर आधारित होंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद आगे नीचे मेंशन किया है कि परीक्षा का संचालन विद्यालय कैंपस में ही होगा, यूपी में ही आपका एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस टेस्ट। आगे तीसरे नंबर पे मेंशन है कि परीक्षा में प्रत्येक पेपर में 40% अंक पाना अनिवार्य होगा, किंतु दोनों प्रश्न पत्रों के पूर्णांक का 50% अंक क्वालिफाई होगा। यहाँ पे अगर आपके 50% मार्क्स आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका PhD में एडमिशन हो जाएगा। आगे काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, आपका इंटरव्यू होगा जिसमें शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही प्रेफर किया जाएगा। आगे फॉर्म डालने से पहले आप इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसको पढ़ लीजिएगा। आगे नीचे मेंशन किया है कि परीक्षा परिणाम को वर्गवार एवं मेरिटवार सूची तैयार करके विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसकी सूचना ईमेल अथवा हार्ड कॉपी के द्वारा सूचना प्रदान की जाएगी। मतलब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, मेंशन किया हुआ देख सकते हैं। आगे यहाँ पे प्रवेश परीक्षा से छूट, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को PhD में प्रवेश के लिए सेट परीक्षा से छूट रहेगी। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं खुद से, मैं नहीं पढ़ूंगी नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पे देखिए आवेदन पत्र जो है, आप इसकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है www.mgkvp.ac.in पे आप जाएंगे तो इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर सकते हैं। ये आप देख लीजिए, नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये ब्रोशर है। उसके बाद रिजर्वेशन, यहाँ पे जो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुसार निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं, और यहाँ पे महिला अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना आवश्यक है। अगर वो शादीशुदा हो भी गई हैं फिर भी उनका जो जाति प्रमाण पत्र है उनके पिता के नाम से निर्गत होना आवश्यक है, ना कि उनके पति के नाम पे। मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। जो मेन था मैंने आपको बता दिया, जो ज़रूरी था, बाकी आप इसको देख लीजिएगा खुद से, इसकी वेबसाइट पे जाके इस ब्रोशर को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। प्लीज़ देख लीजिए, जो प्रत्येक विद्यार्थी को 15,000 रुपये भुगतान करने होंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 5,000 है, और अंशकालिक मतलब पार्ट टाइम अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 45,000। शोध कोर्स वर्क यहाँ पे जमा कराने होंगे, जो आप फीस पूछते हो कौन कितनी फ़ीस होगी, यहाँ पे फीस भी मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये ब्रोशर है जिसको आपने डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म डालने से पहले पढ़ लेना है। तो ये इसकी लास्ट पेज है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे ही हिंदी सब्जेक्ट से PhD एडमिशन की अपडेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। और आपको किस सब्जेक्ट से अपडेट चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी आपको अपडेट करती रहूं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।